और गाइस आज हम जा रहे हैं दूध सागर। इतना रश है गाइस, हमारा नंबर आना बड़ा मुश्किल है। हाँ, पहले अंदर जाओ, पानी में जाओ, पहले इधर नीचे पानी पहले। All set, ready? Yes. Good morning to all of you guys. So hey guys, kya hal chal? Sarun Sasrikal, welcome back to the channel. Harpreet has this gala baith gaya hai. Gala pain ho raha tha raat se. Tabiyat theek nahi hai. Abhi maine Dolo khayi hai guys. Aur guys, aaj hum ja rahe hain Doodh Sagar. Yani ki milk wala sagar. Usko Doodh Sagar kyon bolte hain? Usko Doodh Sagar kyon bolte hain? Main wahan jaake bataunga aapko. Kya keh rahe ho Guneet? Aap dar rahe ho? इसमें डरने वाला क्या है? तू भी डर रही है? तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब यहाँ आसपास बीच बीच ये वो घूम के मैं थक गया था, तो मैंने देखा यहाँ पे दूध सागर है, बहुत बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, तो हम दूध सागर जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वो लोकेशन, तो हम वहाँ जा रहे हैं। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम सीधा निकलेंगे दूध सागर के लिए। पहले मना हो गया था दूध सागर, अब वो वापस हाँ हो गया। हाँ, बैठ के आराम से खा लो। आज आपका चॉकलेट सिरप कहाँ है? चॉकलेट सिरप तो है ही नहीं, आज क्या खाओगे? आ रहा है, आ रहा है। मैं खा रहा हूँ ऑमलेट, वेल ऑमलेट। अच्छा है ना, आपको बोला था आपको अच्छा लगेगा इसलिए बोला था। गुनीत जा रही है ड्रेस चेंज करने के लिए। मैंने बोला इसको थोड़ा सा और अच्छी ड्रेस है इसके पास, ऑप्शन है तो पहन ले। क्या पहनेगी अब? तो लास्ट डे है हमारा यहाँ पे, कल तो हमने चले ही जाना है, तो फटाफट पहन लेगी ड्रेस। दिखा से हम दिखाओ गुनीत की ये वाली ड्रेस, ये गुनीत की बर्थडे वाली ड्रेस पहन ली गुनीत ने। चलो जल्दी चलो, हमारे साथ सोहम भी जा रहा है, सोहम एंड फैमिली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं दूध सागर के लिए, रेडी। यहाँ पे गाइस 3 घंटे लगने वाले हैं हमें, 2 घंटे पहले हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, उसके आगे वहाँ पे जीप वगैरह मिलती है 45 मिनट्स मेरे ख्याल से। आगे फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर जाना है हमने उनकी जीप में, और पूरी ऑफ रोडिंग, रिवर क्रॉसिंग वगैरह सब कुछ है। मैंने पहले ट्राई किया कि थार लेके जाए, लेकिन थार हम अपनी गाड़ी लेके वहाँ जा नहीं सकते, तो उन्हीं की गाड़ी में जाना पड़ेगा, वहाँ से टिकट लेके बैठ गए सारे। सोहम बैठ रहा है, कंफर्टेबल हो आप? हाँ ठीक है। गाइस लाइन चेक करो जरा, लाइन बहुत दूर तक लाइन लगी, बहुत लंबी लाइन है। गाड़ी लिमिट रहता है इधर, गाड़ी को 240 लिमिट है, ऑलरेडी 150 गाड़ी हुआ है, 90 गाड़ी बाकी है। नहीं आएगा नंबर? 90 गाड़ी है सर, लोग देखो 1000 के ऊपर है। ये देखो ये बोर्ड है ना, वो मिला जो बोर्ड है, सारे जगह जहाँ जा रहे हैं सब खराब हो रहे हैं, तो मना कर रहे हैं, तो मना कर रहे हैं, मिलेगी नहीं गाड़ी। वो बंदे से बात कर रहा हूँ, वो कह रहा नहीं मिलेगी गाड़ी। क्या हो रहा है इस बार? इस बार सारे आ गए ना गोवा, कुछ ना कुछ प्लान खराब ही हो रहा है। इतना रश है गाइस, हमारा नंबर आना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा। लाइन चेक करो गाइस, लाइन चेक करो, वो देखो, ये एक वाटरफॉल के लिए इतनी बड़ी लाइन है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस में जो रोहित शेट्टी ने दिखाया था, मैंने ट्रेन से वाटरफॉल दिखाया था, उस मूवी के बाद ये वाटरफॉल फेमस हुआ है, उसके पहले यहाँ कोई नहीं आता था। देखो कैसे लोग आए हुए हैं गोवा में। गाइस ये हाल है, जहाँ पे भी जा रहे हैं ना यही हाल हो रहा है, चाहे वाटर स्पोर्ट चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, नंबर ही नहीं आ रहा कहीं पे भी। इतने लोग आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं। गाइस पूरी कोशिश कर ली है, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन अभी जुगाड़ नहीं बन रहा है, तो लाइन में ही लगना पड़ेगा। लाइन का पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा। इनके पास गिनती की गाड़ियाँ हैं, 240 गाड़ियाँ मेरे ख्याल से, और अब 60 गाड़ियाँ बची हैं। 60 × 5 कर लो, 300-350 लोग लाइन में होंगे तो आ जाएंगे, उससे ज़्यादा होंगे तो नंबर नहीं आएगा। तो अभी तो हम बहुत पीछे खड़े हैं,
पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा, बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो, यहाँ गुनीत वेट कर रही है, यहाँ सोहम वेट कर रहा है। क्या लगता है आएगा नंबर हमारा? आ जाएगा। मुझे तो लगता नहीं आएगा, 10 गाड़ी बची है बस, पूरी 10 जीप बची है बस। फाइनली हो गया क्या? पता नहीं क्या जुगाड़ तो करा। हालत खराब होगी गाइस गुनीत की भी, हमारी भी वेट कर करके। पता नहीं अभी भी क्या जुगाड़ हुआ क्या नहीं हुआ, देखते हैं। बाय गुनीत। गुनीतों से तुम जा रहे हैं इस गाड़ी में, हम दोनों अलग अलग हो गए, हम जुदा हो गए। बाय बाय बाय। गुनीत और जी तैयारी है? अभी सब रुका है। आपने क्या जादू चलाया? पानी में बहुत सीक्रेट रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। आपका फैन ने लेके जा रहा है आपको। अच्छा सही में आज सोहम की वजह से जा रहे हैं हम। ओनली थ्री व्हीकल्स आर लेफ्ट। सोहम ने जुगाड़ किया, खाली 3 रह गए थे। थैंक यू सोहम। वो कह रहा है कौन सा जादू किया मेरे को तो पता ही नहीं। कह रहा मुझे बताओ तो सही। सोहम के पापा ने जादू किया आज। गुनीत एलिफेंट, गुनीत रिवर क्रॉस करें, जूता उतार के, शूज उतार के करें, करोगे पक्का? हाँ हाँ अभी करते हैं। तो गाइस हम लोग रिवर क्रॉस कर रहे हैं पैदल ही, उतार दिए मैंने शूज। यही तो मजा है, यही तो कह रहा था मैं, यही तो एडवेंचर है। गाइस देखो कैसे लाइन लगी हुई है, लेकिन मुझे तो गाइस पर्सनली ऐसे ट्रिप पे ना मज़ा बहुत आता है, एडवेंचरस पे वाला मज़ा आ रहा है। एंट्री हो गई ना, उससे पहले तो जान निकली पड़ी थी, 2.5 घंटे ड्राइव करके आए थे, 2.5 घंटे वापस जाना पड़ता, सारा दिन ख़राब हो जाता। और गुनीत और सतिंदर पता नहीं कौन सी गाड़ी में है, आगे हैं या पीछे हैं, वो भी आ रहे हैं। नज़ारा चेक करो ज़रा, जंगल के अंदर हैं वो भी, जंगल के अंदर। हाँ मज़ा आ रहा है। हाँ, गर्मी लग गर्मी लग रही, गर्मी बहुत ज़्यादा। इकट्ठे हो जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ अभी हो जाएंगे इकट्ठे एंट्री करने के बाद। फाइनली मैं आ गया हूँ गुनीत और सतिंदर के साथ। गेट तो क्रॉस करने में ही गाइस दूध सागर टेम्पल, और आते ही ब्रॉडी बनी की याद करवा रहा है हमें, इतने प्यार से बैठा, देखिए हंस रहा है। हेलो मेरे को तो पता नहीं क्या बीमारी है, मेरे को तो ऐसी जगह पे आके मजा आता है। तुम हमें भी आ रहा है, हमें क्या है? मेरे को तो जंगलों में छोड़ दो गाइस, आई एम जानवर गाइस। वाला मजा आ रहा है मेरे को तो। दादी को भी पसंद आती है। हाँ दादी को भी पसंद खाती है, आए मेरा बच्चा, दादू की याद आ गई इसको। हम लोगों ने गाइस कोई लंच वंच नहीं किया, सुबह से ब्रेकफास्ट किया हुआ है। अभी कितने बज रहे? 2 बज गए हैं और अंदर 3-4 घंटे तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला जब तक हम बाहर नहीं आ जाते। और मजे की सिर्फ यहाँ पे ड्रिंक्स हैं, उसको पता भी थी और कुछ खाया भी पर नहीं, आइडिया नहीं लगा कि ये टाइम हो गया, भूख नहीं लग रही थी, जबरदस्त लगने लग गई है और लोग हमारे सामने फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है। यहाँ से गाइस हमें जाना पड़ेगा पैदल, ये है हमारी लाइफ जैकेट्स। कितने बजे वापस आना है? 4:15 200 रुपए पर आवर भरने पड़ेंगे अगर हम 4:15 के बाद आए। अभी ये बोल रही जल्दी आ जाएंगे, जाएगी ना जब तो ये बोलेगी रुक जाओ पापा, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। मेरे गाइस शूज मैंने इस ट्रिप के लिए लिए थे नए, देखो जरा क्या हाल हो गया। ध्यान से गिरना, जो गिरेगा ध्यान से गिरना, गुनीत आप भी ध्यान से गिरना। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं 3 घंटे की मुशक्कत के बाद। 3 घंटे नहीं सुबह हम निकले हुए हैं, कितने बजे से? 9-8 बजे से। क्या हुआ रोप से जा रहे हो? चलो रोप से चलो, शूज उतारने पड़ेंगे मुझे। गुनीत आप भी शूज,
गीले हो जाएंगे ना, फिर पहनते दिक्कत होगी रात बाद में जाते हुए। गाइस देख रहे हो, आपको घर बैठे बैठे मजा आ रहा है, सोचो आपको देखने में इतना मजा आ रहा है तो हमें यहाँ आने में कितना मजा आ रहा होगा। ऐ वाला मजा आ रहा है गाइस। बेबी ध्यान से गिरने वाले थे अभी आप, बदतमीज जानवर वाली इंसान। गुनीत केयरफुल बेबी। शूज क्या करूँ, पानी में घुसा लूँ? ध्यान से गिरियो, ध्यान से गिरियो। मजा आ रहा है गाइस, हार्ड हुआ है वाला मजा। गुनीत अब बताओ, हैविंग फन, मजा आ रहा है? और मैं तो दो दो कैमरे भी संभाल रहा हूँ साथ। एक कैमरे का लेंस टूट चुका है, दूसरे का दो लाइफ जैकेट पहनी है। सतिंदर ने दो दो लाइफ जैकेट पहनी है, इतनी घबराई हुई है। पहनाई गई है, मैंने पहनी ही है। तो दो पहन ले, तेरे को लाइफ एक ही मिली है। आओ ना तुम्हें मैं साथ लेके चलता हूं। बात सुन ना, अंदर आ जाओ ना, कि बस स्टोन के ऊपर कहां पैर रखना है वो देख लेना। एक काम कर गुनीत, आ जाओ मेरे पीछे। मैं कह रहा हूँ गुनीत मेरी गोदी आ जाओ, मुझे पड्डी पड्डी ये मम्मा को दे देता हूँ मैं, पड्डी कर लो, ले लो। आगे यार मैं कह रहा हूँ कैसे आएगी ये, इसके लिए डीप है ये। मैंने हाथ पकड़ा उसका। मैं कह रहा हूँ कैमरा मैं इसको उठा लेता हूँ, इजी रहेगा। चलो आराम, आप पहले अंदर जाओ, पानी में जाओ पहले, इधर नीचे पानी, पहले पानी में जाओगे तो कंफर्टेबल होगे, नीचे जाओ। हाँ यहाँ पे बस आराम आराम से चलो। आई होल्ड यू बेबी, इधर से इधर से, हाँ इधर से चलो 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 चलो। तो फाइनली गुनीत ने क्रॉस कर लिया है और सतिंदर को भी रस्सी पकड़े। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो गाइस आप लोगों को मजा आया देख के, मुझे तो बहुत मजा आया। तो ये सतिंदर है ना, बहुत डरपोक है, बहुत ही ज्यादा डरपोक है, बदतमीज जानवर वाली इंसान। यही वॉशरूम मिलेंगे यहाँ पे, फाइव स्टार वॉशरूम थोड़ी मिलेंगे यहाँ पे, ऐ वाले वॉशरूम। डो नॉट फीड मंकी, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। तो गाइस फाइनली यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आगे वाला और भी ज़्यादा खतरनाक है, तो गाइस मिस मत करना। आगे वाले में पता नहीं गुनीत जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। आगे वाली जो क्रॉसिंग है ना, रिवर क्रॉसिंग, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी सुनने में आया वहाँ पे और दो चार आठ दस लोग स्लिप हो गए हैं, गिर गए हैं। तो अगर ज़्यादा डेंजरस होगी तो मैं गुनीत को मना कर दूंगा, अगर मुझे लगे गुनीत कर सकती है इजीली तो फिर ही गुनीत को लेके जाएंगे, अदरवाइज कैंसिल। गुनीत फिर सतिंदर इधर रहेंगे, मैं आगे होके आऊँगा। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे चलते हैं। सो गाइस अगली मंजिल पे हम निकल चुके हैं, अब हम आगे निकल चुके हैं। और अब हमने दूसरा कैमरा बड़ा वाला DSLR रख दिया बैग में, अब हम जा रहे हैं अपना 360 लेके। और गुनीत अब डरना नहीं है, ठीक है? अरे पड़े हो, जो भी है वाटरफॉल खतरनाक है, मजा आ गया, देखो होता है क्या। गुनीत ऐसे आपने ना वो नहीं करना, आप जानबूझ के भागे हो आगे, एकदम से आप आगे को भागे हो, ऐसे नहीं चलना। वैसे अच्छा कितना है ना, फाइनली हम लास्ट गाड़ी में आ गए। लेकिन हाँ आज ये भी कैंसिल था। हाँ इतनी भीड़, आधे लोग वापस गए हैं, दो दो घंटे खड़े हो। हम जा रहे हैं आगे, गुनीत हैंड पकड़े रखो पापा, ठीक है? आगे वाला मैंने सुना और खतरनाक है, तो गुनीत आप देख लेना, दोनों हैंड को पकड़ लो। रुको रुको मैं आपके ऐसे जैकेट पकड़ लेता हूँ।
स्लिपरी स्टोन नीचे रो। अच्छा आओ सुनीत, अभी ऊपर देखो, मैं पहले खड़ा, मैं खड़ा होता हूँ, रुको मैं खड़ा होता हूँ पहले, चलो जाओ, ये पत्थर को पकड़ो, पत्थर को पकड़ो, पत्थर को पकड़ो, हाँ आराम से पकड़ो पत्थर को, हाँ गुड, ध्यान से गिरियो, चलो 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 यार, इतने पत्थरों में थोड़ा बहुत तो इंसान स्लिप हो ही जाता है। यस यस फाइनली पुनीत बेबी, पापा का पैर ना वो इतना डीप था ना, पता नहीं था इतना डीप होगा, स्लिप हो गया थोड़ा सा, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है, स्लिप होने से ये नहीं कि वो बह लेगी, इतनी भी वो नहीं है, हैवी वो। फाइनली गाइस मंजिल में पहुंच गए, इतनी मुशक्कत के बाद, इतनी वाट लगने के बाद, एक बार गिरने के बाद, पुनीत कह रही है आपने मुझे गिरा दिया, वाह वाह गाइस वो देखो ऊपर, ओह माय गॉड।